मुंबई सेंट्रल और बोरीवली के बीच उठी रेलवे लाइन के निर्माण में तेजी लाने के लिए पश्चिम रेलवे का मुंबई डिवीजन बांद्रा और खार रेलवे स्टेशनों के बीच एक नया रेलवे पुल बनाने की योजना बना रहा है। हालांकि निर्माण कार्य मानसून के बाद शुरू हो जाएगा। एक नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए जगह प्रदान करने के लिए दो सबसे व्यस्त स्टेशनों के बीच फ्लाईओवर का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जो स्थानीय और बाहरी ट्रेन यातायात को अलग करेगा। रेलवे के एक अधिकारी के मुताबिक पहले कुछ चिंताएं थी क्योंकि रेलवे लाइन की मस्जिद के पास से गुजर रही थी, इसीलिए नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए जगह बनाने के लिए पुल का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। उन लोगों के लिए जो मुंबई सेंट्रल और बोरीवली रेलवे स्टेशनों के बीच पांचवी और छठी लाइन मुंबई शहरी परियोजना 2 का एक हिस्सा है और 2008 में प्रस्तावित किया गया था, परियोजना भूमि अधिग्रहण के कारण अटक गई थी। इन लाइनों में से पांचवी रेलवे लाइन पहले से मौजूद है और मुंबई सेंट्रल से माहिम तक और सेंटा क्रूज और खार रेलवे स्टेशन के बीच से गुजरती है। नई रेलवे लाइनें महालक्ष्मी और लोअर परेल कार शेड से भी गुजरेगी।